मराठी के मशहूर साहित्यकार भालचंद्र नेमाड़े को 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। नेमाड़े देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पाने वाले 55वें साहित्यकार हैं। इससे पहले 5 दफा संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति के चेयरमैन और प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। यह सम्मान सर्वसम्मत से प्रोफेसर भालचंद्र नेमाड़े को दिया गया है। पुरस्कार के केंद्र में उनकी का महत्वपूर्ण 600 पृष्ठों का उपन्यास हिंदू है, लेकिन यह पुरस्कार उनके समूचे कृतित्व को भी ध्यान में रखते हुए दिया गया है। नेमाड़े ने पुरस्कार पाने पर खुशी जताई है। ज्ञानपीठ के जो चयन समिति है सब सोचते हैं, सब उनके पास उनके सामने 24 भाषाएं रहती है, तो शायद उन्होंने वो भी देखा होगा, तो शायद अपने में भी कुछ अच्छा होगा, ये मुझे महसूस हो। पद्मश्री से सम्मानित नेमाड़े को उपन्यासकार, कवि, आलोचक और शिक्षाविद के तौर पर जाना जाता है। वो 60 के दशक के लघु पत्रिका आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ज्ञानपीठ के निदेशक लीलाधर मांडलोई ने बताया कि नेमाड़े भारतीय भाषाओं के ऐसे साहित्यकारों में शामिल हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों को प्रभावित किया है। मराठी साहित्य में उनकी प्रमुख कृतियों में साल 1968 में प्रकाशित उपन्यास कोसला और साल 2010 में प्रकाशित वृहद उपन्यास हिंदू जगन्याची समृद्ध अडगल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नेमाड़े को आलोचनात्मक कृति टीका स्वयंवर के लिए साल 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।